एरिया निकालने में किसी को कोई डाउट नहीं है बेटा? नो सर, एक क्वेश्चन सॉल्व करो सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बेटा। आज जो फिजिक्स की डीपीपी आती है उसमें ऑप्शंस नहीं आते फिर टिक करने का? ठीक है बेटा, मैं देख लूंगा उसमें। ओके सर, कॉपी में करने थे, 0 पॉइंट्स की होती है। क्या बोल रहे हैं? 0 पॉइंट्स की होती है, मतलब 0 मार्क्स ही मिलते हैं, फिर कॉपी में करने होते हैं। अच्छा ऐसा, कॉपी में कर लो, क्या दिक्कत है, आपको सॉल्व करो बस। मार्क्स से क्या मतलब है उसके मार्क्स से? चलो इसका एरिया निकालो मीटर स्क्वायर में। 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर। यस सर। लिख तो दिया ना सर, कितनी बार बोलेगा सर? 1.2 मीटर स्क्वायर। हाँ सर, सबको बोलने दीजिए सर, सबको बोलने दो सर। Excuse me sir. हाँ बोलो बेटा। Sir, can you disable annotations? Sir, 1.2. क्या? Sir, can you disable annotations? है ना? Annotate. वो क्या होता है? Sir, annotation कर देते हैं। अच्छा, ठीक है। सिक्योरिटी वाला ऑप्शन होगा। हाँ ठीक है सर, कर दिया कर दिया कर दिया। सर आप देखो बेटा, एरिया कितना होता है? 0.12 इंटू विड्थ। तो देखो 60 इंटू 20 कितना हुआ? 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। अब हमें सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में करना है, तो डिवाइड बाय क्या करेंगे? पावर। ठीक है, तो 104 क्यों लिख दिया? 10^4 है वो, 104 नहीं है। तो 1 2 3 4, तो 20 से 20 कैंसिल हो गया, तो आंसर आएगा 0.12 मीटर स्क्वायर। मतलब ऑप्शन आपका डी वाला सही था। मैंने 0.60, 0.20, 0.2 कर दिया। अब देखो बेटा, अपन दूसरे तरीके से करते हैं, ये वाला ऑप्शन सही है, यही आंसर। अब देखो पहले हम इसको मीटर में चेंज कर लें। 60 सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं 0.6 मीटर, 0.60 लिखना है, और 20, हाँ लिख लेना, 20 सेंटीमीटर को हम क्या लिख सकते हैं? 0.2। अब एरिया निकालो, रुको एक मिनट, सॉल्व कर लेने दो। तो एरिया इक्वल्स टू 0.6। ये सर आपने अपने क्वेश्चन लिखा है कि सर मॉड्यूल में से कहीं से है? नहीं, मॉड्यूल में कहीं पे नहीं है सर, 0.12। ठीक है, तो बेटा ऐसी गलतियां मत करो। तो सर ये भी सही है ना सर, ये 0.6 वाला? दोनों तरीके से आंसर एक ही आ रहा है, जैसे करना वैसे करो, लेकिन सही करो। ओके सर, सर मैं सर, लेकिन अगर हम लोग आंसर निकालने के बाद उसको फिर मीटर में चेंज करें सर? कैसे भी कर लो बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये किया तो है ये वाला सर, डेसिमल के राइट साइड में होता है, तो अगर उसको लेक्चर ठीक है, निकाल तो लिया आंसर ये। हेलो सर, ये आंसर ही तो है। लेफ्ट साइड वाला नहीं, 0.12 लिखो, 0.120 लिखो, 0.1200, 0.1200 हुआ तो सर उसको नहीं हटा सकते। नहीं, उसमें फिर फर्क पाएगा। ठीक है, पॉइंट की यदि पोजीशन चेंज होगी तो आपका 10 की पावर में चेंज आएगा। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो देखो लास्ट क्लास में हमने ऐसे कितने अराउंड 10 क्वेश्चन किए थे, उसके बाद भी फिर आप ये 100 क्यों बोल रहे हो, जब आपको पता है कि मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर में हमें जाना है। तो 10^4 का मल्टीप्लाई करते हैं,
और सेंटीमीटर स्क्वायर से यदि हमें मीटर स्क्वायर में जाना है तो डिवाइड बाई 10^4। क्लियर है सर? सर अगर हमें सिर्फ सेंटीमीटर में रखना है तो वो भी आंसर सही होगा, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में जो पूछा है वो करना है। ओके सर। हाँ बोलो बेटा। सर जमीन मिल गई है सर, भी चिल्ला रहा है। तो दिस वी हैव टू राइट। हाँ नोट कर लो ये। सर सर ये डीपीपी है? नहीं प्लीज। अरे क्वेश्चन सॉल्व करो, उससे क्या मतलब है तुम्हें डीपीपी का है नहीं है, मॉड्यूल का है नहीं है, उससे क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करना है, करो सीखो। ये क्वेश्चन कहाँ से दिया है उससे क्या मैटर करता है तुम्हें? सर इसको फेयर में नोट करना है। हाँ सर आपने सर 10^4 से डिवाइड तो किया। कहाँ पे फोर्स है सर? 1 मीटर पे तो 100 सेंटीमीटर होते ना बेटा। लास्ट क्लास में नहीं थे क्या तुम? बेटा लास्ट क्लास के नोट्स देखो, उसमें कितनी बार बताया है, वीडियो भी अपलोड हो गया है ग्रुप पे, है ना सर? हाँ बोलो सर। मैं 104 के लगाया। क्या क्या बोल रहे हो? अरे 10^4 डिवाइड किया ना सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में, चेंज किया कि नहीं? अच्छा ओके ओके आंसर। या तुम्हें ना लास्ट क्लास का थोड़ा सा ना वो जो नोट्स हैं वो पढ़ के पढ़ा करो। आपने सर उसको कन्वर्ट किया तो सर सर डिवाइड हो के सर। हाँ तो डिवाइड किया। ओके हाँ बोलो बेटा। सर ये जो मीटर स्क्वायर से आपने मल्टीप्लाई 10^4 किया तो सर ये सेंटीमीटर में जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में? हेलो सर सेंटीमीटर लिखा सर, आप सर कंफ्यूजन ना होने के लिए सर 0.60 अगर अपन लिखे हैं तो सर वो गलत हो जाएगा नहीं नहीं कोई सेम ही है, कोई फर्क नहीं। तो इधर देखो 0.60 लग दिया करो। हाँ कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ अब इधर देखो, सुनो सुनो तुम बेटा लास्ट क्लास में थे। लास्ट क्लास में थे या नहीं थे पूरे पहले ये बताओ। सर था सर, तो सो रहे थे क्या बेटा? ये मैंने लिखा था पूछा था वो, कितने भी जब मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर में जाना 10^4 का मल्टीप्लाई करते हैं और सेंटीमीटर स्क्वायर से यदि हमें सर ये तो आपने सर क्लास क्लास में सर 4 बार बताया था। सर प्रीवियस पेज दिखा। हाँ एक मिनट, मीटर स्क्वायर में जाना है तो डिवाइड बाय 10^4। तो अब ये क्यों पूछ रहे हो बार बार ये चीज, है ना? अरे जिसने भी पूछा है ना बेटा, बेटा लास्ट लेक्चर का पढ़ के आना चाहिए ना। सर मैं तो पहले ही पढ़ लिया था सर। सर वो फॉर्मूला दिखा दीजिए। यस सर V2YF स्टडी वाला पेन दिखा दो। हाँ एक मिनट, ये यहाँ पे भी लिखा तो हुआ ये। सर आप सर नोट्स भेजेंगे ना सर? हाँ तो नोट्स में को लिख लेंगे ना, तो लिखो ना नोट्स को। कहाँ लिखते तो अभी तक ये चीज में प्रॉब्लम नहीं होता ना बेटा, इसे सॉल्व कर पाते। चलो एक और क्वेश्चन करो, अब गलती नहीं होनी चाहिए और आंसर कोई नहीं बोलेगा, ठीक है? सर आप बच्चे से पूछ रहे हैं? हाँ मैं पूछ लूंगा जिससे पूछना है। सर ये क्वेश्चन फेयर में करने हैं? करो लो, इसका एरिया निकालो। सर 0.6 सर 120 सेंटीमीटर विल बी 1.2 मीटर। क्या बेटा पहला ऑप्शन है 0.6 और क्या आया आपका? सर द आंसर इज 0.6। हाँ ठीक है, एक बार बोल दिया ना बेटा, दूसरे को भी बोल। सर आंसर इज 0.6। सर आंसर इज ए। नो सर, सर सर आंसर तो 0.6 सर ए है। सबका यही आया? यस सर। सर ए आ रहा है। चलो देखते हैं। सर आंसर इज 0.6 ओनली। चलो देखते हैं, है ना? चलो पहले अपन कर लेते हैं, इसको मीटर में चेंज कर लेते हैं। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 1.20 मीटर। यस सर। और 50 सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं 0.50, है ना? बेटा तू थोड़ा शांत रहा कर, ठीक है? तो एरिया जो हो गया, एरिया हो गया 1.20
आप सर अपनी वॉल्यूम सर थोड़ी लीजिए सर, बढ़ा लीजिए सर, आज थोड़ी दूर अब ठीक है, 0.5 ठीक है। अब इनका हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं बेटा, पॉइंट हटाते हैं सबसे पहले। देखो ये वाला पॉइंट हटाया तो कितने, टू डिजिट के बाद है तो नीचे कितना 20 आएगा, और ये वन डिजिट के बाद है तो एक और जीरो आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे 120 और 5, ठीक है, 120 इंटू 5 कितना होगा 600 डिवाइड बाय 1000, ठीक है। 20 से 20 कैंसिल हो जाएगी, 6/10 को हम लिख सकते हैं 0.6, क्लियर है। अब इसी चीज को हम क्या करते हैं, दूसरे मेथड से करते हैं, ठीक है, दूसरे मेथड से करते हैं। देखो एरिया सर, दूसरा मेथड ज्यादा इजी लग रहा है। अरे यार दोनों मेथड, दूसरा मेथड से ज्यादा इजी होता है। 120 इंटू 50 तो कितना होगा, कद्दू सर 3600, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए हम 10^4 से डिवाइड कर देते हैं, तो 6000/1, 2, 3, 4 से डिवाइड कर दिया, तो 30 से 30 कैंसिल हो गया, 6/10 हो गया 0.6। आ गई बात सुन में? यस सर। हाँ अब गल्ती मत करना किसी भी क्वेश्चन में। हाँ अरे बेटा कोई सब इजी हो, दोनों सेम ही है। तो okay, करना है ना, डन 30, ओके ओके सर, मैंने 1.2 into 0.5 किया, ठीक है, वो एक ही मतलब है सबका। अब इधर देखो, अच्छा वॉल्यूम क्या होता है पता है? यस सर। सर सर लेंथ क्यों भरे एक बार, 5 into 5 into 5 L into B into S। बेटा फॉर्मूला नहीं पूछा है, होता क्या है? सर इट इज द बेस एनीथिंग एक्वायर्ड। हां ठीक है सर, इट इज द यूनिट टू मेजर क्वांटिटी। सर एरिया ऑक्यूपाइड बाय थ्री डायमेंशनल शेप। ठीक है बेटा ये नोट हो गया। अब हम वॉल्यूम पढ़ते हैं, ठीक है। देखो शांत रहो, शांत रहो, कोई कुछ मत बोलो। वॉल्यूम होता है स्पेस ऑक्यूपाइड, है ना, स्पेस दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड एज वॉल्यूम। वॉल्यूम उसको हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। अब देखो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है, जो क्यूबॉइड, क्यूबॉइड पता है क्या होता है, एक क्यूबॉइड ऐसा होता है ना, यस सर, थ्री फिगर, अरे इट्स अ शेप, एक क्यूबॉइड होता है ना, इसकी थ्री साइड्स होती है ना, इसको यदि हम इसको बोल दें ए, इसको बोल दिया हमने बी, और इस साइड को बोल दिया हमने सी, ठीक है। तो इसका जो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए इंटू बी इंटू सी, क्लियर है। अब देखो एल इंटू बी इंटू एच, ठीक है। अब देखो, अब ये जो तीनों क्या है, लेंथ है, नहीं करेंगे, जैसी आप इच्छा, जिसको लेंथ लेना है लेंथ ले लो, जिसको विड्थ लेना है विड्थ ले लो, ठीक है। हाँ अब देखो बेटा, अब हम लेंथ और हाइट में फर्क क्या होगा सर, ब्रेथ और हाइट सी दिए बेटा, जो हाइट आपको जो हाइट देखो थ्री डायमेंशन है, ठीक है, लेंथ और विड्थ ये आपके अकॉर्डिंग हम ले लेते हैं। आपके घर में लेंथ कौन सी होगी, विड्थ कौन सी होगी, आपकी चॉइस है। तो जो फ्रंट होता है उसको हम लेंथ ले लेते हैं, ठीक है, और जो हाइट ऊपर की तरफ होती है
मान लो बेटा उसको हाइट बोलते हैं। अब जैसे आपका मोबाइल है ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, तो आपकी ये वाली आपने लेंथ ले लिया, ये विड्थ ले लिया ऊपर वाला, और ये जो इसकी जो थिकनेस है वो आपने ले ली हाइट। अब मोबाइल को आपने ऐसे रख दिया, ठीक है, तो क्या होगा, चेंज हो जाएगा, नहीं होगा। अब आपकी हाइट ये हो गई, जो पहले क्या थी आपकी लेंथ थी, तो वो डिपेंड करता है कि आप आपने उसको कैसा रखा हुआ है, ठीक है। लेफ्ट साइड की लाइन हाइट हो जाएगी, हाँ, तो इसलिए इसकी चिंता मत करो कि कौन सा लेंथ होगा या कौन सा हाइट होगी, ठीक है। अब देखो बेटा सर, अपन कोई को भी कोई सी भी प्लेस पर रख देंगे, तो हाँ, अब ये जो तीन वॉल्यूम में तीन क्वांटिटी है ए इंटू बी, ये तीनों क्या है, लेंथ है। ये भी क्या है, एक लेंथ ही है, ये भी लेंथ है और ये भी लेंथ ही है, तीनों क्या है, हाँ सर, लेंथ ही है। तो जो मल्टीप्लाई होगा, इसकी भी यूनिट क्या होगी, मीटर होगी, इसकी भी यूनिट मीटर होगी, और इसकी भी यूनिट क्या होगी, मीटर होगी। तो जो यूनिट होगी वो क्या होगी, मीटर क्यूब, क्या होगी, मीटर सर। हाँ सर, मुझे अभी भी समझ नहीं आया हाइट और ब्रेथ में। हाइट और एक जैसे मैच बॉक्स होता है बेटा, यस सर, ये एक मैच बॉक्स है, तो इसको अपन ने यदि ऐसा रखा हुआ है तो इसको अपन हाइट ले सकते हैं, यस, लेकिन यदि उस मैच बॉक्स को हमने ऐसा रख दिया तो हाइट कौन सा होगा, ये होगा। तो डिपेंड करता है कि हमने उसको कैसा रखा हुआ है, क्लियर है। अब आपके मोबाइल का हाइट कौन सा है, तो डिपेंड करता है ना आपने उसको कैसा रखा हुआ है। आपने उसको यदि टेबल पर ऐसा रख दिया बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन में, तो उसकी जो थिकनेस होगी वो हाइट बन जाएगा, यस। और यदि आपने ऐसा खड़ा रख दिया तो जो हाइट है उसकी वही क्या हो गई, हाइट हो गई, क्लियर है। तो हाइट जो साइड्स हैं, ठीक है, बेसिकली वॉल्यूम ऐसा बोला जाता है मल्टीप्लाई बाय थ्री साइड्स, तीनों साइड का मल्टीप्लाई करना है। अब ये आपकी चॉइस है, आप किसको हाइट लेते हो, किसको लेंथ लेते हो, किसको विड्थ लेते हो, क्लियर है। अब मान लो आप जिस रूम में बैठे हो, यस सर, आप जिस रूम में बैठे हो उसमें लेंथ कौन सा और विड्थ कौन सा है, क्या आप डिफाइन कर सकते हो। सर अपन बोल सकते हैं कि रूम की मोटाई होगी सर हमारी, सर ब्रेथ हमारी, तो आपकी हॉरिजॉन्टली होगी सर, लंबाई होगी सर, लेंथ एंड सर चौड़ाई होगी सर। लंबाई और चौड़ाई कैसे पता, कौन सी लंबाई है और कौन सी चौड़ाई है, जो ऊपर जाएगी सर वो लेंथ, सर अपने इमेजिन, हाँ वो आपकी इमेजिनेशन, लेंथ मेजर कर दे, हाँ कि आप उसको लेंथ ले लोगे। अब जैसे क्या होगा, मान लो इसे देखो, ये आपके घर, ये आपका घर है, ये मान लो घर है, ठीक है, ये आपका घर है, तो आप क्या बोलते हो कि ये इसकी लेंथ है और ये इसकी विड्थ है और सर वो हाइट है। अब हो सकता है कि कोई ये बोल रहा है कि ये हमारे घर की लेंथ है और ये विड्थ है, नो सर, क्यों नहीं बोल सकते, जिसका जैसा, ठीक है, इसलिए जिसको जैसा नाम देना है उसको दे सकता है, क्लियर है, ठीक है सर। बस ये नहीं कह सकते ना कि लेंथ हमेशा ब्रेथ से बड़ी होगी, नहीं ऐसा कोई नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं बोल सकते, लेकिन अब देखो हम क्या होता है बेटा, जनरली जो बड़ी वाली होती है उसको लेंथ ले लेते हैं, जो बड़ी डिस्टेंस होती है ना उसको हम क्या अज्यूम कर लेते हैं, लेंथ अज्यूम कर लेते हैं, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है सर, वो दोनों एक इक्वल है, सर लेंथ इज इक्वल से कर सकते हैं। और दूसरी बात ये बेटा, यदि आपको डिस्टेंस को करते हैं क्योंकि सर क्यूबॉइड में जो बड़ी डिस्टेंस होती है सर उसको हमें लेंथ बोलना पड़ता है, जो छोटी डिस्टेंस होती है वो ब्रेथ, हां लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात है, यदि आपका क्वेश्चन में बोल दिया लेंथ 10 मीटर है तो फिर तो आपके पास चॉइस रहेगी ही नहीं, है ना, किसी क्वेश्चन में बोल दिया लेंथ 10 मीटर है, विड्थ 2 मीटर है और हाइट 5 है, तो फिर तो आप फिक्स हो गए, है ना, और यदि नहीं दिया है तो आप उसको क्या वेरी कर सकते हो, किसी को भी लेंथ ले सकते हो, किसी को भी विड्थ ले सकते हो, सर अपने सेटिस्फेक्शन के लिए सर कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। अब इधर देखो बेटा, यदि मीटर में हमने तीनों लेंथ लिया तो मीटर इंटू मीटर, मीटर की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी,
मीटर क्यूब। हाँ, और यदि ये यदि मैंने सेंटीमीटर में लिया, ये भी सेंटीमीटर में लिया, और ये भी सेंटीमीटर लिया, आ गई बात समझ में? अब जैसे देखो, एक क्यूबॉइड था जिसका लेंथ था 2 मीटर। सर अपन ने 3 मीटर वाले को सर क्यूब बोला, तो सर वो 2 वाले को सर अपन क्या बोलते हैं? स्क्वायर बोलते हैं ना बेटा, स्क्वायर निकाला तो था। हाँ हाँ सर, एरिया में यही तो किया था। यस यस सर, की मींस कोई वैल्यू है ही नहीं, मींस हम कुछ बोलते नहीं है उसको, वो वैल्यू तो है सर। अब अगर इसका वॉल्यूम निकालना होगा तो अपन लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट कर देंगे। सर 9 मीटर होगा, मीटर 9 मीटर क्यूब है ना। चलो दूसरा है, लेंथ मैंने दिया 10 सेंटीमीटर। सर फिर तो हमें इसको सर जैसे फिर तो हमें इसको सर 10^6 से करना होगा मल्टीप्लाई। हाँ एग्जैक्टली वही मैं बताऊंगा, ठीक है। और हाइट आपको दे दिया 5 सेंटीमीटर। अब बताओ वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब। सुनो बेटा, जो जो पढ़ा रहे हैं ना, अपन ने सर एरिया को सर उसमें इन्वॉल्व कर दिया ना सर, स्क्वायर सर एक बार सर आप आगे पढ़ाओ, फर्स्ट वाला समझ नहीं आया। एलबीएच लिखा है सर, सॉरी मिस्टेक है। यहाँ पे क्या होगा 6, ठीक है। देखो वॉल्यूम निकालने के लिए हमें लेंथ इनटू विड्थ और हाइट का तीनों का मल्टीप्लाई करना पड़ता है, क्लियर है सर? हाँ। अब देखो यहाँ पे तीनों सेंटीमीटर में, तो क्या होगा 10 × 20 × 5 कितना होगा? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बेटा। सर एक बार प्रीवियस पे दिखा दीजिए। प्रीवियस में ऐसा कुछ भी नहीं है, नोट करने जैसा, ठीक है सर? तो नोट नहीं करना है सर, वही सर आप इसके हैंडल नोट भेजेंगे ना, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ मुझे लिखने जैसा कुछ पता नहीं चल रहा है सर। ये वाला पेज नोट नहीं करना है, बस ये लिख पहले समझ लो, मैं नोट करने का जो होगा वो लिख दूंगा एक जगह अलग, ठीक है? Yes, अभी बस समझ ले जाओ। हाँ तो देखो यहाँ पे वॉल्यूम कितना होगा बेटा? 1000 मीटर क्यूब। 1000 सेंटीमीटर 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 क्यूब है ना। तो हमारे पास इसके यूनिट दो हैं, एक मीटर क्यूब भी है और सेंटीमीटर क्यूब भी है ना। तो कई बार हमें मीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में जाना पड़ेगा और सेंटीमीटर क्यूब से कहाँ आना पड़ेगा मीटर क्यूब में। केवल अपने पास दो टर्म है, मीटर और सेंटीमीटर, सर किलोमीटर वगैरह नहीं है बेटा। इतना समझ लो फिर ऑटोमेटिक सब हो जाएगा, ठीक है? हाँ तो देखो बेटा, अब हमें कभी अलग अलग यूनिट्स को कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक रिलेशन है, वो हमें रिलेशन बना के पहले डायरेक्टली याद रख लो, है ना। देखो मीटर स्क्वायर से यूनिट में भी यही है कि क्या बोलते हैं सीएम और ये मीटर और सेंटीमीटर में। हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ अब देखो मीटर क्यूब से यदि सेंटीमीटर क्यूब में जाना है तो आपको मल्टीप्लाइड बाय 10^6 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हेडिंग सर कन्वर्जन बाय 10^6 और सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में आना है भाई, पहले समझ लो। तो डिवाइड बाय 10^6 करना है, क्लियर है? यस सर। ये आप नोट करो पहले। सर आपने ये बताया कि अगर मीटर क्यूब से अपन को सेंटीमीटर क्यूब में जाना है तो 10^6 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है? तो सर वो क्यों करेंगे? क्यों करेंगे वो बताएंगे, वो बताएंगे पहले, अब ये याद रखो बस। सर आप जो भी लिखवा रहे हैं सर, हाँ, मैं भी लिखनी हाँ, नहीं तो सर, बस ये नोट करो, बस ये मैं बोल रहा हूँ ना, ये नोट करो, बाकी जो भी नोट करना होगा वो सब मैं बताऊंगा। सर वेट सर कर लिया सर, आप सर अपने हैंड रिटन नोट भी भेजो। हाँ सब भेजूंगा बेटा, हर बेटा हर क्लास में भेजता तो हूँ, क्यों फिर क्यों पूछते हो हर क्लास में एक ही क्वेश्चन? हाँ हाँ सर कर लिया नोट। ठीक है अब इधर देखो, डन। अब देखो हम एक क्वेश्चन करते हैं, मान लो एक क्यूबॉइड है जिसका लेंथ दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर। सर क्वेश्चन में सर ये भी मेंशन होगा कि क्यूब है या क्यूबॉइड है? हाँ तो पता लग जाएगा, तीनों साइड सेम है तो क्यूब है।
लेंथ विड्थ जो है वो हमने बोल दी 200 सेंटीमीटर और हाइट जो है वो हमने बोल दी 300 सेंटीमीटर. तो हमें क्या निकालना है? वॉल्यूम. ठीक है, तो देखो वॉल्यूम कितना होगा, तीनों का मल्टीप्लाई 100 इंटू 200 इंटू 300 60 लाख. हाँ, तो देखो तो कितना हो जाएगा 6 और 20 तो कितनी जीरो, 1 2 3 4 5 6. ठीक है, ये हो गया सेंटीमीटर. अब हमें पता है बेटा, अब हमने लिखा हुआ है सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में जाना है, तो किससे डिवाइड करेंगे हम? 10^6 तो कितना होगा सर? 10 सर 10 लाख होगा सर. तो 3 तो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा सर, 6 सर वॉल्यूम है 6. ठीक है, हाँ. अब देखो हम इसको पहले दूसरे मेथड से करते हैं. अच्छा 100 सेंटीमीटर मतलब कितने मीटर होते हैं? 1 मीटर. 200 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 मीटर. सर हम वर्ड भी तो कर सकते थे यहीं पर. तो अब डायरेक्टिव वॉल्यूम क्या होगा? 1 × 2 × 3 तो आंसर कितना होगा? 6 मीटर क्यूब. आ गई बात समझ में? तो दोनों मेथड से आप आंसर निकाल सकते हो. अब किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? यस सर निकाल सकते हैं. नो सर, नो डाउट सर, कोई भी डाउट नहीं है. तो प्लीज वेट इज राइट मोर डामा सर. कैन यू आस्क अनदर वन लाइक दिस? आई हैव रिटन सर. दिस वी हैव टू राइट. हां सर, मां प्लीज वेट. सर ये वेट करना, अभी हम लोग लिखना स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है, आप एक ऐसे ही क्वेश्चन दे दो सर. रुक जाओ अभी, अब रुको रुको, ये नोट मत करो. ठीक है, पहले मैं जो लिख रहा हूँ वो नोट करें. ठीक है, लिखो वॉल्यूम. सर मैंने तो वो भी कर लिया. ठीक है, अब मैं अच्छे से लिख देता हूँ, आप नोट करो. ठीक है, तो वॉल्यूम क्या होता है? आप इसके नोट तो भेजोगे ना? हाँ भेजेंगे ना. कितनी बार पूछोगे यार? आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही. एक्सक्यूज मी सर. हाँ सर, आपने इसके पहले जो भी लिखवाया है वही लिखना. मैं जो लिखवा रहा हूँ वही लिखना. हाँ सर. हाँ सर, यहाँ से स्टार्ट करना है. ओके ओके. सर अगर क्वेश्चन में सिर्फ दिया होगी सेंटीमीटर क्यूब में करना है तो सिर्फ सेंटीमीटर क्यूब में ही रहने दें. तो बेटा इसमें फिर पूछने वाली क्या बात है, जो क्वेश्चन में होगा वही तो करोगे ना, जो क्वेश्चन में बोला है वही सॉल्व करोगे ना. यस सर. ठीक है, यस सर. सर इसमें सर डेसिमल वाला वो नहीं होता सर, जैसे सर अपने स्क्वायर में सर डेसिमल वाला वो था ना कि 0.00 सर, ये सर इसमें नहीं. अच्छा ओके सर. एक्सक्यूज मी सर. हाँ सर, आपने जो थोड़ी देर पहले इसके पहले लिखवाया था वो नहीं लिखना? वो मैं वापस से लिखवा रहा हूँ ना बेटा, अच्छे से आप नोट कर लो. ठीक है सर, वो भी लिख लिया हमने. okay, तो ये भी लिख लेते हैं. तो बीमार थोड़ी हो जाओगे बेटा ज्यादा लिख लोगे तो. थैंक यू. सर आप जब रफ करो तो प्लीज. हाँ ठीक है. हाँ नहीं करूंगा बेटा रफ, है ना. सर ब्रेथ को विड्थ लिख सकते हैं ना? लिख सकते हो. ओके सर. सर आपने क्या लिखा है सर? क्या लिखा है? हाँ सर, ये क्या लिखा है सर? और ओके सर. अब यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये लिखना है. ठीक है, यदि आपको मीटर क्यूब से सर मीटर क्यूब भी है टू कन्वर्ट सेंटीमीटर क्यूब से करना है. ठीक है सर, ये तो ऊपर लिखवा दिया था ना, ये लिखने की जरूरत है बेटा? ये इतनी बार लिखो कि रट जाए बिल्कुल.
We will do divide it by 10 की पावर 6. ठीक है, ये इतनी बार लिखो कि रट जाए. ठीक है, 100 बार भी लिखना है तो लिखो. आज याद नहीं, हमेशा याद रखना है, एक दिन से नहीं चलेगा. सर मैं बोल्ड करके लिख दूं लर्न. हाँ बिल्कुल, जैसे आपको इच्छा है ये लर्न होना चाहिए, है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है. क्योंकि सर पूरा सर ये नोट कर लो. ठीक है, कर लिया नोट? यस सर. यस सर. अब आप पूछ रहे होंगे सर ये 10 रेस्ट पावर 6 कहां से आया. सर टू मिनट सर प्लीज. सर प्लीज वेट, आई नॉट हैव नोटेड. हाँ ये नोट कर लो आराम से. आराम से कर लो नोट, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है. बेटा जो कर लिया वो शांत रहो. अब इधर देखो, है ना, देखो जो वॉल्यूम होता है वो होता है मीटर इनटू मीटर इनटू मीटर, तो इधर बन जाता है मीटर की पावर 3. अच्छा मीटर क्यूब. मीटर क्यूब. अच्छा इस मीटर को सेंटीमीटर लिखें तो कितने सेंटीमीटर इक्वल होता है एक मीटर? सर 100. सर 100 इनटू 100 इनटू 100 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू होता है 1 मीटर क्यूब, है ना. मतलब यदि मीटर क्यूब को आदि आपको सेंटीमीटर क्यूब में बदलना है तो आप क्या करोगे, 10^6 से उसमें मल्टीप्लाई करोगे. क्लियर है सर? प्लीज वेट, डोंट ड्रॉप नाउ. यस सर, डोंट ड्रॉप. सर पहले आपने ऐसे नहीं बताया था ना सर, थोड़ा कंफ्यूजन सा लग रहा था सर, अब तो हो गया सर. कंफ्यूजन नहीं, वो पहली बार पढ़ रहे थे इसलिए, अब हम वापस से पढ़ रहे हैं ना वही चीज, तो इसलिए थोड़ा इजी लग रहा है. ठीक है सर, ये फॉर्मूला समझा दीजिए, थोड़ा समझ में नहीं आया है. बेटा वॉल्यूम कितना होता है? सेंटीमीटर मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर होता है, तो यूनिट मीटर क्यूब हो गई. अच्छा इस मीटर को हम सेंटीमीटर में बदले तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है. हाँ सर. इस 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर इनटू 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर तो 100 तो कितना हो गया 6. हाँ सर 10^6. हाँ तो वही तो आया. ओके सर. ठीक है, तो ये हम 3 बार लिख चुके हैं जब से. बेटा ये 10 बार भी लिखना पड़े तो कम है, क्योंकि ये चीज भूल जाते हो तुम. ठीक है. यस सर. सर आप सर इतना परफेक्ट स्क्वायर सर रेक्टेंगल कैसे बना रहे हो? वो शेप से बना रहे हैं. शेप से बना रहा हूँ भैया. सर वरना तो परफेक्ट सर किसी से भी नहीं बनते, स्पेशली सर कंप्यूटर में. मुझे लगा कि सर आपकी हैंडराइटिंग इतनी अच्छी है. नहीं नहीं हैंडराइटिंग भी ड्राइंग. नहीं सर आपकी हैंडराइटिंग भी अच्छी है सर, आपने जो नोट भेजे थे उसमें कितनी सुंदर हैंडराइटिंग. बढ़िया हैंडराइटिंग थी. यस सर. मैंने भी श्री लिख दिया था सर स्टार्टिंग में, तो जैसे आपने लिखा था. चलो इसका वॉल्यूम बताओ. 12 मीटर क्यूब. ठीक है, तो इधर देखो कितना होगा, 2 मीटर इंटू 2 मीटर इंटू 3 मीटर, तो आंसर हो गया 12 मीटर क्यूब. अब देखो मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में बदलना है तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई या डिवाइड? मल्टीप्लाई. अभी तो बोल रहे थे सर हमने इतनी बार लिख लिया. दूसरे मेथड से करते हैं, दूसरे मेथड से करते हैं. देखो 2 मीटर इक्वल टू कितने सेंटीमीटर होगा सर? 2 मीटर 200 सेंटीमीटर. थ्री मीटर इक्वल टू 300 सेंटीमीटर. अब वॉल्यूम निकालो सर. 200 into 300 कितना आ गया? 12
12 into 3, 4, 5, 6 दोनों से सेम आया मतलब सही है ना हम बोल सकते सही है सर सर ये तो 1 करोड़ 20 लाख है ना सर ये 12 लाख क्यों बोल रहे हैं सर बच्चे एक्सक्यूज मी सर 12 × 10^6 है वो ठीक है नहीं सर ऊपर आपने 1 करोड़ 20 लाख लिखा है ना सर नहीं मैंने कुछ भी बोला नहीं 12 × 10^6 लिखा है यहाँ भी 12 × 10^6 लिखा है सर उसके ऊपर आपने लिखा हुआ है ना 1 करोड़ 20 लाख हाँ मल्टीप्लाई करा है तो सर ये मैंने गिना है नहीं बस लिखा है सर ही वाज जस्ट टेलिंग दैट सर कुछ बच्चे उसको 12 लाख हाँ ठीक है 1 करोड़ 20 लाख है वो सर 1 करोड़ 20 हाँ देखो हम तो भैया 10 के पावर में चलते हैं 12 × 10^6 है ना उस वाले में सर अपन को कन्वर्ट करके दिया था सर सेंटीमीटर में पिछले वाले में थोड़ा सा टफ करके दे हाँ सर दे दो यहाँ पे सर 200 सेंटीमीटर लिखा होता तो अपन ऐसे करते कि सर 12,120,000 डिवाइडेड बाय 10^-6 हाँ ठीक है देखो अब करते हैं हम वापस से हम क्यूबॉइड बनाते हैं सर अभी से ही इनका प्लीट था ना सर हमको डिवाइड करना था ना इसमें हाँ अब देखो क्वेश्चन क्या होगा बेटा वो सर फॉर 1 मिनट कैन यू शो द प्रीवियस फ्रेज आई वांट टू टेक स्क्रीनशॉट 1 मिनट जब से क्या कर रहे थे स्क्रीनशॉट लेने के लिए स्क्रीनशॉट लेने के अलावा सर लिख लो सर मैंने तो तीनों स्क्रीनशॉट ले लिए सर लैपटॉप में ले लिया स्क्रीनशॉट सर देखो अब थोड़ा सा टफ बनाते हैं इसको एक्सक्यूज मी सर हाँ सर हम भी अपने नोट्स कलरफुल पेन से बना सकते हैं उससे बनाओगे तो ज्यादा अच्छा है ऐसे बनाओ जिससे तुमको पढ़ने में मजा आए कलरफुल बनाने चाहिए ताकि आपको पढ़ने में मजा आए सेंटीमीटर क्यूब में निकालना है हमें आंसर निकालो कितना सर डिवीजन ऑफ 10 × 10^6 सर जैसी तुम्हारी इच्छा यार फिर डिवीजन बोल रहे हो मल्टीप्लाई करेंगे ना यार अभी तक तुम बोल रहे हो सर मल्टीप्लाई करेंगे सर 12 × 10^6 हाँ we will do 6 × 10^6 because sir the product is yes sir sir ये भी लिखना है लिख लोगे तो अच्छा है ना बेटा समीर आ गया sir 12 × 10^6 इसका बता सकते हो सर ये कैसे आया सर तो सेंटीमीटर क्या कैसे आया सेंटीमीटर क्यूब कैसे आया No, sir. He was asking about the product. Sir, 12. अच्छा. Sir, इसमें सर आपने टच क्या किया था? नहीं किया ना. अभी प्रैक्टिस तो कर लो. 1.5 को 3/2 लिख सकते हो? अरे क्यों सर? अरे 15/10 लिख सकते हैं. जैसे भी तुम्हारी इच्छा हो भैया. ठीक है. Sir, we can do 8 × 1.5. Sir. हाँ. 8 × 1.5 के बाद जितने भी जीरोस होते हैं सर, सर 1.5 को सर इनटू करने का और कोई वो नहीं है सर 1.5 को अपन सर ऐसे ही करना है पॉइंट हटाओगे तो नीचे 10 लिख सकते हो कुछ पूछता था हां सर ऐसे अगर हम एडिट करें तो हम 2 × 1.5 और 4 मीटर को सबको बेटा कैसे भी कर सकते हो कन्वर्ट करके कर सकते हैं हां ऐसे भी कर सकते हैं ठीक है लेकिन ये वाला बस ये पूछना था कि अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं 8 × 15/10 करना तो वही है ना फिर वापस से वही होगा 3 से कैंसिल आउट करोगे बिकॉज़ आई हैव टू टेक द स्क्रीनशॉट ठीक है हां सर हां बोलो सर मेरे को पूछना था कि सर जो पॉइंट के बाद जो नंबर होता है वो सर 0.1 तो सर 1, 2 के बाद हम कितने भी जीरोस लगा सकते हैं ना पॉइंट लगा करके कितने भी लगा दो पॉइंट के बाद कितने भी जीरो लगाओगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ठीक है
सर आप सर एक और बता सकते हैं आपने 1.5 को कैसे मल्टीप्लाई किया? एक्सक्यूज मी सर, देखो 2 × 1.5 × 4 तो देखो ये पॉइंट हटाया तो कितने जीरो आएंगे नीचे, 10 आएगा। यस सर। चलो 5 से कैंसिल आउट करो, 5 सर 3 5 3 सर 15 एंड 5 2 सर 10 सर 2 एंड 2 कैंसिल एंड 3 इनटू 4 इज 12। हां सर आगे एक्सक्यूज मी सर। हां सर जो पॉइंट के बाद जीरो जो होते हैं उन्हें ट्रेलिंग जीरोस कहते हैं ना। देखो 1.5 लिखो, 1.50 लिखो, 1.500 तीनों को मतलब देखिए। और सर तीनों टर्म अपनी सर पॉइंट्स में होती तो क्या सर तो करते हैं ना, करते हैं करते हैं करते वो भी करते हैं ठीक है सर। इनको ट्रेलिंग जीरोस कहते हैं ना। हाँ सर, ये आप क्वेश्चन पूछ रहे हो? ओके सर। अब बताओ मीटर क्यूब में आंसर। सर वी विल राइट 800 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय सर 800 डिवाइडेड बाय 10। सॉल्व करो, सॉल्व करो, शांति से सॉल्व करो, पहले सब लोग को सॉल्व करने दो ठीक है, और अपना सॉल्व करने के बाद शांत बैठो है ना, नोट कर लो जिसको नोट करना है। प्रीवियस वाला पेज दिखा दीजिए बेटा, वो गया ठीक है, मैंने उसमें सर मैंने उसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया। तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, चलो इसका ले लेना, सब क्वेश्चन एक जैसे ही है सर, मेरे पास है सारे स्क्रीनशॉट्स। सॉल्व करो इसको, सर आंसर है 0.8 मीटर क्यूब। अब इसको सॉल्व करते बेटा हम, है ना, तो सब पहले हम क्या कर लें, सबको सेंटीमीटर में सॉल्व कर लेते हैं, फिर मीटर क्यूब में चेंज कर लेंगे है ना। तो वॉल्यूम जो होगा वो कितना होगा, 10 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर इंटू 40 सेंटीमीटर। तो देखो कितना, तो 10 इंटू 20 कितना होता है 200 इंटू 40, तो 8000 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा आंसर किस में आया, सेंटीमीटर क्यूब में। अब सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में चेंज करने के लिए हमें पता है क्या करते हैं, हम डिवाइड बाय 10^6। तो इसको हम 8000 को 10^6 से डिवाइड करते हैं है ना, 1 2 3 4 5 6 30 से 30 कैंसिल हो गया, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.008 है ना, या फिर हम इसको डायरेक्टली ऐसा भी लिख सकते हैं 8 × 10^2 कितनी होगी, यहाँ पे 10 30 है तो 10^-3 ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं आप, ऐसा भी लिख सकते हैं ठीक है। अब हम दूसरे मेथड से सॉल्व करें, तो सबसे पहले इनको मीटर में चेंज कर लेते हैं, 40 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.40 मीटर, 20 सेंटीमीटर मतलब 0.20 सेंटीमीटर, एंड 10 सेंटीमीटर मतलब 0.10 सेंटीमीटर मीटर सॉरी मीटर और 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर। अब हम तीनों मीटर में ले आए तो हमारा आंसर जो होगा वो किस में होगा, मीटर क्यूब में होगा। अब तीनों का मल्टीप्लाई करते हैं ठीक है, तो एरिया कितना होगा 0.20 × 0.40 × 0.10 ठीक है। पॉइंट हटाते हैं, देखो अब इसका मल्टीप्लाई यदि आपको नहीं आता है तो आप क्या हटाना, पॉइंट हटाना है। देखो ये पॉइंट हटाया तो कितने, 2 डिजिट के बाद 0 है तो 2 डिजिट आ गए, ये पॉइंट हटाया तो 2 डिजिट के बाद तो 20 और एड हो गए, और ये भी कितना सेम 20 और 1 2 3 1 2 3 तो ऊपर कितना बचा 4 × 2 = 8 divided by 1000 ये हम लिख सकते हैं 8 divided by 10^3 और पावर ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका आंसर
8 इंटू 10 रेस टू पावर माइनस 3, ये आपका आंसर है। इस मेथड से भी वही आया था, ठीक है। यस सर, यस सर, नोट करो सर, सर नोट कर लिया सर, पर आपने वो एरिया लिख दिया वॉल्यूम की। सॉरी, हाँ सॉरी सर, सर यू हैव टू राइट वॉल्यूम सर, फर्स्ट वाला सर अपना आपने बताया था सर, मतलब सर हमने जो कराया है सर वो ही सर मुझे बेस्ट लगता है सर, क्योंकि इसमें सर वो भी है सर, मतलब जैसा आपको सर फर्स्ट मेथड सबसे बेस्ट है और सबसे इजी है। सर सर क्योंकि अपन ने सर स्क्वायर में भी वही किया ना, तो सर नॉर्मली अच्छे से सर हमने इनटू क्यों नहीं किया यार, डिवाइड करके क्यों आंसर निकाला सर, क्योंकि सर अपन को सर अपन क्योंकि हम ये बता चुके हैं, ये मैं कितनी बार बता चुका हूँ बेटा, हम छोटे से बड़ा ले सेंटीमीटर में। अच्छा एक बताओ, अच्छा एक सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर दो। यस सर, किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है, बच्चे ने सर ये बोला सर, उसको आप बोलो तो क्या करना है, किलोमीटर से मीटर में चेंज करना है तो किसका मल्टीप्लाई करते हैं सर, 1000 डिवाइड क्यों नहीं करते, डिवाइड क्यों नहीं करते, क्योंकि अपन बड़े से छोटे में तो बड़ी क्वांटिटी से छोटी क्वांटिटी में कन्वर्ट करना है, सेम तो बेटा सेम रीजन वहां पर है, सेम थिंग वहां पे अप्लाई हो रही है। हां सर, सर अगर छोटी चीज से बड़ी चीज में करना होता तो सेम फॉर्मूला सेम कॉन्सेप्ट तो वही अप्लाई हो रहा है सर, वो बच्चे को बोलिए कि सर वो 10 बार वो वाला फॉर्मूला लिखे, ठीक है, तो वो आपको कम से कम 50 बार भी लिखोगे ना तो भी भूलने के चांस रहेंगे, इसलिए हमेशा याद रख, मतलब हर थोड़े दिन में रिवाइज करते हो। याद हो गया है सर, बिल्कुल हां सर, दिमाग में सर हजारों बार लिख लिया सर, उसने दिमाग में लिख लिया हजारों। आ गई बात समझ में बेटा? यस सर, पेन उठा के सर सर पे लिख लिया। तो अब आपको वॉल्यूम में कोई डाउट नहीं है, वॉल्यूम को कैसे करते हैं निकालते हैं, क्लियर है? क्लियर क्लियर सर, इट इज क्लियर। अब देखो सर, बच्चे लीव क्यों कर रहे हैं, ठीक है। एक और चीज है, 10^3 सेंटीमीटर क्यूब को हम बोलते हैं 1 लीटर, क्या बोलते हैं, 1 लीटर। लीटर सुना है आपने, कितना होता है सर, मतलब सर 1000, हाँ मिलीलीटर, हाँ 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू होता है 1 लीटर, ठीक है। ये क्यों होता है ये मत पूछो, बस ये याद रख लेना कभी कोई पूछे, है ना। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू कितना होता है, 1 लीटर, है ना, क्योंकि लीटर इसलिए बताया क्योंकि कभी भी कैलकुलेशन में लीटर यूज नहीं होगा, लेकिन हमारे घरों में तो जो भी वॉल्यूम है हम लीटर में मेजर करते हैं सर, क्योंकि सर कैलकुलेशन में लीटर यूज हो ही नहीं सकता है ना, तो इसीलिए हां सेंटीमीटर क्यूब लिखा है, तो सर अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं 1000 × 1000 × 1000, नहीं 10 × 10 × 10000 लिखेंगे ना अपन, 10 × 10 × 10 × 10, हां मतलब कई बार आपको पता होना चाहिए कि लीटर भी हमारे जो हमारी बॉटल होती है ना जैसे पानी की, वो 1 लीटर की होती है, yes, मतलब वहाँ पे उसको हम क्या बोल सकते हैं, 1000 सेंटीमीटर क्यूब, क्या बोल सकते हैं, वो 3 डायमेंशनल मेजर होती है। अब देखो एक बार बताओ, एक बॉटल बनाते हैं अपन, क्या बनाते हैं, एक सर इसे नोट कर ले, इसकी भी यदि हमने, सर ये बॉटल है, सुनो 10 अभी बेस है ये बॉटल का, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट भी हमने कितनी ले ली, 10 सेंटीमीटर, कितनी ले ली उसकी हाइट भी, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर ले ली, क्लियर है, ठीक है। तो बताओ इसका वॉल्यूम कितना होगा, 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसमें आपका कितना पानी आएगा, 1 लीटर। आ गई बात सर, अगर इसका सर वॉल्यूम सर 2000 निकलता मीन सर 2 लीटर पानी आएगा, ठीक है सर, प्लीज वेट, डोंट ट्राई, आई वांट्स टू नोट इट डाउन, आंसर 1000 होता तो 10 रेशियो कितना होगा, 2000 होता सर 2 लीटर, एक्सक्यूज मी सर, हां बोलो सर, एक और कोई सत्यम कुमार है सर,
दूसरे बच्चे सर किसी और को लिंक भेजते हैं तो सब और बच्चे भी ऐड हो जाते हैं सर। अच्छा ऐसा। यस सर सर द रेड वन इज के नाम से हो गया सर। पिछली बार शायद उसने मेरे को एक मैसेज भेजा था। चलो ठीक है बेटा ये समझ में आ गया। एंड यू ओजस गुप्ता आई हैव नॉट सेंड यू द यू आर सेंडिंग मी डायरेक्ट मैसेज। इधर देखो यदि ये ऐसा होता 50,000 सेंटीमीटर क्यूब होता मतलब कितने लीटर हुआ ये 50 लीटर। हाँ है ना। अब मैंने इतना हो गया यस मतलब कितने लीटर हुआ सर अगर अपन इसको चेक 500 लीटर सर अगर अपन इसको चेक करना है तो सर अपन ऐसे कर सकते हैं 50,000 upon 100,000। हाँ ठीक है। अब मान लो आपके घरों में सबकी छत पे टैंक बना हुआ है। हाँ सर। Yes, sir. टैंक yes, का डायमेंशन ले लो। मान लो आपकी जो टंकी है वो 200 सेंटीमीटर ऐसे है 100 सेंटीमीटर ऐसे है। अरे टंकी है सर। क्यों नहीं हो सकती? हो सकती नहीं हो सकती मेरा गलत हो रहा है सर। मैं चलो देखो बनाने का तरीका मैं बताता हूँ ठीक है। इधर देखो सर वी कैन मेक अ क्यूबॉइड एंड जस्ट नेम इट अ टैंकर। सर मैं आगे बंद कर रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है शेप चेंज हो गया। सर ये भी लिखना है सर ये जो आप लिखवा रहे हो कि सर कोई फॉर्मूला। सर एक सेकंड पिछला पेज दिखाइएगा वो मेरे को 50,000 वाला नोट करना है। लिखना है फॉर्मूला ही अकेला लिखना था। एक मिनट ये क्यूबॉइड हम बना रहे हैं सब ये पूरा लिखना है फॉर्मूला अकेला लिखना था। मैं बता रहा हूँ भी रुक जाओ जो सब लिखना है जो भी सब बताऊंगा चिंता मत करो अभी तुम बस सर मैं ये तो कर लेता हूँ तो सर मेरा सर सर एक का सर शेप अलग आ जाता है और सर एक का शेप अलग हो जाता है सर ये दोनों फेस आपने जो बनाया। अब देखो दिखाइएगा एक बार वो मेरे को 50,000 वाला वो नोट करना है। अरे लिख अरे बस ये नोट कर लो बस ये है ना ये बस ये नोट कर लो। हाँ ठीक है सर वी कैन नोट दिस आल्सो सर दैट यू हैव गिवन। रुको एक मिनट देखो ये आपको दिया है 200 सेंटीमीटर आपने घर पे आपने टैंक देखा है ना और ये हाइट दी हुई है 100 सेंटीमीटर और ये वाली डिस्टेंस दी है कितनी ले 50 सेंटीमीटर ले लेते मान लो 50 सेंटीमीटर। तो अब हमें बताना है कि इस टैंक में कितने लीटर पानी आ सकता है ना। तो आपने क्या निकाला इसका वॉल्यूम निकाला क्या निकाला वॉल्यूम 200 × 100 × 50। तो देखो वन टू थ्री फोर फाइव ठीक है तो कितना आ गया 10 लाख आ गया 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब। हाँ तो मतलब इसमें कितना 1000 लीटर ठीक है। तो आपके घर में आपको पता लग गया कि 1000 लीटर है। अब आप कैलकुलेट कर सकते हो कि वो पूरी टंकी भर गई तो कितने दिन तक आपका काम चल सकता है। सर मगर सर टंकी में तो सर डायरेक्ट लिख के आता है ना सर 1000 लीटर लिख के आता है मान लो जो बनाते हैं बेटा अपन जो ब्रिक से बनाते हैं सर वो पहले वॉल्यूम निकाल के उनका जो डेंसिटी होती है सर वो पहले लिख क्या बेटा सर दिस वी हैव टू राइट वो भी तो मेजर करके लिखते होंगे। हां हां वो ऐसे ही तो लिखते हैं सर दिस वी हैव टू राइट। हाँ बोलो बेटा सर इसमें 1000 लीटर वाटर क्यों बनेगा ये फॉर्मूला है क्योंकि हम बता चुके हैं ना बेटा 1000 सेंटीमीटर क्यूब = 1 लीटर होता है। सर कोई टैंक बनवाया और सर अपन ने उसका मेजर किया हाँ। सर अपन को पता चला कि सर उसकी सर मतलब ऑल मिला के हाँ। सर कितने लीटर पानी आएगा आपको ठीक है सर 5 मीटर का है सर पूरा टैंक 5 हाँ सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेंगे ठीक है। हाँ उसको फिर लीटर में कर लेंगे ठीक है तो उससे हमें पता लग जाएगा
सर हाँ बोलो बेटा टेन लैक इक्वल्स टू सर 1000 लीटर हाँ वन ठीक है टेन टेन लाख सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू थाउजेंड लीटर ठीक है The three zeros and the leftover zeros are the liters. The time has been sir done suddenly. ठीक है आ गई बात समझ बेटा ये नोट कर लो हाँ ठीक है ये वाला भी नोट कर लेना है ना अब ये जो है इस पे क्वेश्चन नहीं आएंगे लेकिन आपको आप अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हो ठीक है जैसे आपके घर में जैसे आप फिर में नोट करना है हाँ जैसे आपके घर में ये वो होता है स्टोरेज बेड यस सर स्टोरेज बेड की आप डायमेंशन नोट कर सकते हो उसमें आप बता सकते हो उसमें कितने लीटर एयर आएगी ठीक है उसमें कितने लीटर एयर आई है कितने लीटर का स्पेस है अच्छा आपकी कार में भी बूट स्पेस होता है कि नहीं होता है yes, तो उसका भी जो वॉल्यूम होता है वो किस में होता है लीटर में होता है सर इट्स इन लीटर लीटर में ठीक है तो आपको उससे आइडिया हो जाता है कि वो जैसे आपका एक सूटकेस है तो सूटकेस भी जब आप खरीदते हो ऑनलाइन अमेजन पे तो वहाँ पे उसका डायमेंशन दिया होता है नहीं दिया होता है हाँ तो उसमें आपको पता लग जाएगा कि उसमें कितना लीटर स्पेस है ठीक है यस सर हाँ बोलो बेटा सर विल यू सेंड द रिकॉर्ड